कैसे शाहरुख के चक्कर में 50 करोड़ रुपए ठुकरा दिए भाईजान ने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूरोप चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ गॉडफादर मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। सलमान खान ने हाल ही में चिरंजीवी की मूवी गॉडफादर की शूटिंग शुरू की है। इस बात की जानकारी खुद चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर दी। इस मूवी में सलमान गेस्ट रोल में दिखेंगे। कहा जा रहा है कि वो कैरेक्टर मूवी की स्टोरी के लिहाज से बेहद जरूरी है। उनका स्क्रीन टाइम कुछ 10 से 15 मिनट का बताया जा रहा है, मगर सलमान ने इस रोल के लिए फीस लेने से मना कर दिया है। गॉडफादर की टीम ने नॉर्थ में सलमान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें मूवी में लिया है, ताकि उनकी तेलुगु फिल्म हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी देखी जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी में सलमान और चिरंजीवी एक्शन सीक्वेंस और एक गाने में साथ नजर आएंगे। गॉडफादर में सलमान की एंट्री सोलो एक्शन सीक्वेंस से होगी। चिरंजीवी सलमान खान की लॉन्ग टाइम फ्रेंड है, इसलिए सलमान इस मूवी में काम करने को तैयार हुए हैं। राम चरण से भी उनकी बनती है, हालांकि पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन को अलग रखते हुए गॉडफादर की टीम सलमान को प्रॉपर फीस देना चाहती थी, मगर सलमान ने एक शर्त रख डाली। उन्होंने कहा कि वो एक ही शर्त पर ये मूवी करेंगे कि उन्हें कोई फीस न दी जाए। सलमान और चिरंजीवी पॉलिटिकल थ्रिलर गॉडफादर के लिए मुंबई से सटे कदरत के एनडी स्टूडियो में शूट कर रही हैं। सलमान खान शाहरुख खान की कमबैक मूवी पठान में भी कैमियो कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद बिग बॉस में की थी। इस मूवी में सलमान टाइगर के कैरेक्टर में नजर आएंगे। खबरों के मुताबिक सलमान पठान में 15 मिनट के लिए दिखाई देंगे। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने उन्हें इसके लिए 50 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, मगर सलमान ने ये कहकर मना कर दिया कि वो शाहरुख के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अंग्रेजी में बोले तो एनीथिंग फॉर शाहरुख। वेल दर्शकों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।